अब दोस्तों देखो, खुशी तो तब मिलता है जब सरकारी बैंक भी भाई साहब प्राइवेट बैंक का मुकाबला करने लगे। और इस वीडियो के अंदर भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च कर दिया है। अभी तक जो आप एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक जिसके अंदर ऑफर आते थे और यहाँ पे आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते थे, उसी प्रकार से भाई साहब अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो रहा है। अब देखो, ये जो नया अकाउंट खुला है बीओबी यूथ अकाउंट यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और इस अकाउंट को कैसे खोलना है, इस अकाउंट की बेनिफिट चार्जेस और सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, ये जो अकाउंट यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यूथ अकाउंट आया है, इसको तो हम इस वीडियो के अंदर अकाउंट ओपन करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बार अकाउंट ओपन करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाकई में क्या ये अकाउंट हमारे लिए काम का है, यहाँ पे हम इस अकाउंट को ओपन करें या फिर नहीं करें। तो फटाफट से यहाँ पे हम बेनिफिट्स और चार्जेस डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद अकाउंट कैसे खोलना है ये भी हम आपको दिखा देंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर साफ साफ कहें तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा के यूथ अकाउंट के अंदर सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड भाई साहब जितना चाहो उतना चेक ले सकते हो, एक भी रुपए आपको चेकबुक के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों, इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री एटीएम कार्ड की भी सुविधा मिल रही है और फ्री पासबुक की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जा रही है। अब देखो, यहाँ पे तो आपको साफ साफ लिखा गया है कि फ्री रुपए का आपको प्लेटिनियम कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको ना ही कोई इश्यूएंस फी लिया जाएगा ना ही कोई रिन्यूअल फी लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इसके अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें ये समझ में आता है कि ये बस दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड का चार्जेस देना पड़ेगा। और इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा मिलती है, तो बैंक की तरफ से जो भी एसएमएस वगैरह आते हैं उसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं काटा जाता है। अब देखो, सब कुछ फ्री है तो क्या यहाँ पे हम सबको ही अकाउंट खोल सकता है? अब देखो, यहाँ पे ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर एज का बाउंडेशन रखा गया है, तो यहाँ पे लिमिटेड लोग यहाँ पे इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आपका एज 16 से लेके 25 साल के बीच में है तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अब बहुत सारे माइनर भी खुश हो गए होंगे कि यहाँ पे हम भी अपना ऑनलाइन अकाउंट खोलेंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल वाले लोग यहाँ पे ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं और उससे जो कम है वो यहाँ पे बैंक विजिट करके अपना खाता खुलवा सकते हैं। बात करें इस अकाउंट के अंदर, तो कंप्लीटली आपका वीडियो के वाईसी के साथ अकाउंट ओपन होगा। और यहाँ पे अगर आपका ये एज ग्रुप है और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भाई साहब अपना खाता आप खुलवाना चाहते हो, तो आप इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हो। अब चलिए, कैसे खाता खोलना है लाइव हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस को अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग का, तो भागना इधर उधर नहीं है, लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा। देख सकते हैं बीओबी का ब्रो सेविंग अकाउंट है जो कि यूथ अकाउंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री यहाँ पे आपको रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, इसके अंदर आपको फ्री एनईएफटी आईएमपीएस आरटीजीएस यूपीआई जो भी ट्रांजेक्शंस करो फ्री कर सकते हो, और यहाँ पे फ्री चेकबुक सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इसके लिए आप ओपन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बाकी ये सब कुछ आपको बताया गया है। वीडियो केवाईसी के अंदर अकाउंट ओपन होगा, सिंपली यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग बेसिकली चार स्टेप्स के अंदर होगा। पहले आप अपना बेसिकल डिटेल्स फिल करेंगे, फिर पैन आधार, फिर अपना एड्रेस और ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, और चौथा यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स डाल के, नॉमिनेशन डिटेल्स डाल के अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने में इशू आता है। बेसिकली करते क्या हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते और गौर से नहीं देखते हो। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो इस वीडियो को भाई साहब एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और उसके बाद जाके अपना अकाउंट खोल के ट्राई करना है। पहले देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो बैंक अकाउंट के अंदर जो भी ईमेल आईडी फिल करना है उसे आप फिल करोगे, आपके ईमेल पे एक लिंक भेजा जाएगा, आप अपना लिंक एक्टिवेट करोगे और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। उसी प्रकार से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है जो खाते के साथ लिंक करवाना है, और यहाँ पे एक बाउंडेशन है कि आपके आधार कार्ड से जो आपका नंबर जुड़ेगा वही खाते में रख सकते हो, तो यहाँ पे आप वो फिल करोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करोगे। और उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ रहे हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने होंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको और भी 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, सबको यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका पैन नंबर लिखा होता है, सिंपली आप फिल करेंगे, और नीचे आपको आधार कार्ड वाले सेक्शन में अपना पूरा आधार नंबर फिल करना है, लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रखना, और उसके बाद ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिए, एक बार जैसे ही आप अपना यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो आपका नंबर जुड़ा होता है उस पर एक आधार ओटीपी यहाँ पे सेंड किया जाता है, तो अपना आधार ओटीपी आपको फिल करना है और उसके बाद आप इसे यहां से नेक्स्ट
कर देंगे। अब एक बार आधार कार्ड को ओटीपी के साथ वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपका फोटोग्राफ्स, आपका एड्रेस, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे तो देखो आपके पिन कोड के हिसाब से जो नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है वही आएगा, तो आप उसको एक बार अच्छे से मैच कर लेना। और उसके नीचे यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस है, और यही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई अकाउंट वेरिएंट चूज करते हैं तो ये आपका अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं रहेगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, अकाउंट वेरिएंट चूज करेंगे और उसके बाद आप नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए एक बार जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल फिल करने हैं, जैसे कि आप अपने फादर का नाम का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फादर का पहला नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी प्रकार से मदर्स नेम में जो आप टाइटल यूज करते हैं उसे फिल करेंगे, और अपने माता जी का नाम यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। अपनी मदर नेम कम्प्लीट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से मदर्स मेडन नेम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अपनी माता जी का नाम आप दोबारा से फिल करेंगे। रिलीजन के अंदर भाई साहब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आपको इंटर करना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आप जितने भी आपके बच्चे हैं वाइफ मिला के आप उसमें डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हो उस केस में या फिर हाउस वाइफ हो तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के अंदर जीरो डालना, और डिजेबिलिटी भाई कोई है आप दिव्यांगता में आते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ पे जन्म हुआ है, एडुकेशन आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप में भाई साहब आप क्या काम करते हैं ये आपको बताना है कि यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं या फिर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी होंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप इस स्टेप को यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो एक बार जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो अगले स्टेप के अंदर आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ जा रहा है, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अकाउंट खोलो, यहाँ पे आपको नॉमिनी जरूर से बताना है क्योंकि भाई साहब भविष्य कोई नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप नॉमिनी का टाइटल, नॉमिनी का जो भी नाम है, नॉमिनी का मिडिल नेम, लास्ट नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का क्या एड्रेस है, मान लो अगर आप ही का एड्रेस है तो आप इस बॉक्स को टिक रख सकते हो, नहीं है तो इस बॉक्स को अनटिक करके एक नया एड्रेस दे सकते हो, और उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे तो आपके अकाउंट के अंदर सक्सेसफुल नॉमिनी ऐड हो जाएंगे। अब देखो एक बार जैसे ही आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर लेते हो आपको एडिशनल सर्विसेज के अंदर आ जाना है, और यही पे आपको ध्यान देना है, मैं क्लियर कर दूं। देखो अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS अलर्ट, UPI, चेकबुक, सारे ऑप्शंस बैंक आपसे अभी कंफर्म कर ले रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे आप सारे जो भी सर्विसेज है यहाँ पे आपको टिक रख लेना है, और यहाँ पे आप जैसे ही टिक करोगे ये सर्विसेज आपको अकाउंट खोलते टाइम ही मिल जाएगी, तो सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपने अभी तक जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है सारा प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से अकाउंट ओपनिंग पेज को प्रीव्यू कर लेना, अगर आपने कोई भी डिटेल यहाँ पे रॉन्ग फिल किया है तो उसको यहाँ पे आप ठीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने रेफरेंस नंबर भी आ चुका है, और यहाँ पे आप कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे भाई साहब आपका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक KYC वाला पार्ट बचा है जिसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देखो वीडियो KYC की फैसिलिटी है, तो सिंपली आप कंप्लीट योर वीडियो KYC पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके नंबर पे दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा एक OTP सेंड करेगा, अपना OTP फिल करके यहां से आप सबमिट करेंगे, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं वीडियो KYC का शेड्यूल का टाइम आ जाता है, आपके सामने एक कैलेंडर खुल चुका है, यहां पे आप देख सकते हो आप जब भी फ्री हो यहां पे मंथ और ईयर सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जिस डेट में आपको वीडियो KYC करना है आप वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, और जितने सारे अवेलेबल स्लॉट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप जिस भी टाइम के अंदर फ्री रहना चाहते हो वो टाइम सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप अपना वीडियो KYC का जो बुकिंग है वो उसे कंफर्म कर लोगे। अब देखो वीडियो KYC का जो बुकिंग है वो तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, अब जिस डेट को आपने अपना वीडियो KYC का टाइमिंग सेलेक्ट किया है उसी डेट के अंदर आपको ईमेल के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का वीडियो KYC लिंक मिल जाता है, सिंपली आप लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आपका जो कॉल है वो वीडियो KYC एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट होता है, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स लिया जाएगा, आपका सेल्फी लिया जाएगा, और यहाँ पे आपका पैन कार्ड का फोटो सिग्नेचर लिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो KYC कंप्लीट होने के 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट डिटेल है वो आपको ईमेल और मोबाइल के जरिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। 7 दिन के अंदर भाई साहब आपके एड्रेस के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा किट भी भेज देती है, जिसके अंदर आपका चेकबुक, ATM कार्ड, आपको सब कुछ मिल जाता है, और इंटरनेट बैंकिंग की user ID वगैरह आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, आप अपने हिसाब से उसकी पिन सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको पासबुक की रिक्वायरमेंट है तो आप इनके ब्रांच में विजिट करके पासबुक ले सकते हैं,
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको वर्चुअल कार्ड की भी सुविधा मिल जाती है, तो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे अपना वर्चुअल कार्ड भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पे क्या अकाउंट की बेनिफिट चार्जेस है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।